नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त राज इन खूबसूरत पहाड़ियों से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सिंघाने के ब्लॉग में। तो ब्लॉग को बनाने के लिए मैंने दो दिन का समय लगा क्योंकि दो दिन पहले मैं पढ़ाई कर रहा था। तो आज चलते सावन के फर्स्ट सोमवार को मंदिर में, तो दिखाते आपको मंदिर में कितनी भीड़ भरी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मंदिर में आज कल लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोमवार को लोग व्रत भी रखते हैं, जो कि आपको दिखाते हैं इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में बने रहे और वीडियो को स्किप ना करें। आज ले चलते आपको जमेश्वर की ओर। जमेश्वर एक प्राचीन मंदिर है जिसमें भोले बाबा की इस मूर्ति लगाई गई है और उसमें हमेशा पूजा होती रहती है। तो ये मंदिर जाओ में, और अभी हमें खड़िया गांव में, जो हमारे पीछे है माँ कालिंका देवी का मंदिर, यहाँ पे काली देवी निवास करती है। बहुत इशू है यहाँ पे, तो मास्क लगाते हैं कि हमारे दोस्त ने मास्क लगा दिया है, तो चलो मास्क लगाते हैं। मास्क लगाना इस बेरी तो मास्क लगाने के लिए आपको पूरा मुंह ढकना पड़ेगा मास्क से, तब जाके मास्क सही लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं जमेश्वर बाबा के पास, जो कि जमेश्वर मंदिर जामू के बीच गांव में बसा हुआ एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर्यटक यात्री हर समय जाते हैं जून जुलाई में, क्योंकि इस साल कोरोना की वजह से हमारे यात्रीगण जून जुलाई में नहीं आ सके। तो आपको दिखा दें, आज सोमवार का पहला दिन है, तो सोमवार के पहले दिन में आपको दिखा दें कि मंदिर में कितनी भीड़ पड़ी है और कितने लोग पानी चलाने आ रखे हैं। तो अभी हम रवि गांव में, रवि गांव के बीचों बीच रोड कटी है, आप देख रहे होंगे ये पूरी रोड कटी है, जो कि अभी ग्रेटिंग होने बाकी है और इस पर टोल तार और अन्य चीज़ें पड़ने बाकी है। तो अभी हमें रवि गांव में, तो रवि गांव के बाद आता है जामू, फिर रवि गांव के बीचों बीच रोड कटी है। तो हम दोनों हैं अभी, तो हमारे साथ कोई नहीं अभी, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं जामू गांव। तो अब हम पहुंचने वाले जमेश्वर के मंदिर में, तो मंदिर का रास्ता बहुत ही पानी भरा है, कि मंदिर बहुत, तो आप सब देख सकते हो हमारे पीछे यहाँ पे पानी के बहुत ज़्यादा स्रोत पाए जाते हैं जामू के अंदर। तो पानी के बहुत बड़े बड़े स्रोत है, आप देख सकते हो, और रोड की हालत देख सकते हो, जगह जगह पे गड्ढे हैं, और ऐसे में गांव वाले सफ़र करते हैं और अपने खाने पीने के सामान इसी रास्ते से ले जाते हैं अपने घर, क्योंकि उनका घर बहुत ही जंगलों में है। तो रोड अभी नई नई बनी है जामू में, तो रोड बनने के साथ साथ यहाँ विकास कार्य भी शुरू हुए हैं, यहाँ पे हेल्प एडिम है और हेल्थ सेवाएं शुरू। जिससे हमारे दोस्त मस्ती करा, तो जगह जगह पे पानी के स्रोत है, आप देख सकते हो, ये देख सकते हो पानी के स्रोत है जगह जगह पे। तो इतने घने जंगलों के बीच में जय बाबा जमेश्वर की एक प्राचीन शिला, जिसके बारे में आपको दिखाएंगे अभी वीडियो में। तो अभी हम पहुँच गए जामू, तो थोड़ा ही देर में आपको दिखाएंगे बाबा जमेश्वर की डोली या प्रसिद्ध मूर्ति, तो वीडियो को स्किप ना करें।
तो हमारे पीछे ठीक पीछे मंदिर जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ से हम अभी जाएंगे मंदिर में, तो चलते हैं मंदिर। जी सभी तो है ना, I'm